स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका जो कमर का पेन है वो कम होगा। तो कमर का पेन नॉर्मली दो तरीके का होता है। एक सबसे पहला पेन जो है वो नॉर्मली जो पेन होता है वो मसल्स में होता है, यानी मांसपेशियों में जो दर्द है उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ उसको आप वीडियो में देखेंगे आगे। और दूसरा जो है उसमें होता है जॉइंट पेन, यानी आपका जो जब आप झुकते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, हैवी वर्कआउट करें या कोई भी डेली एक्टिविटीज़ करें, उसमें जो सारा लोड आता है आपका जॉइंट में आता है, गलत पोस्चर की वजह से भी सारा लोड जो जॉइंट में आता है और जॉइंट में पेन होता है, जो कि काफ़ी सबसे ख़राब पेन जॉइंट पेन होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है उससे रिकवरी पाना। तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए उसके लिए। तो नॉर्मली मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे आप लोग जो है जॉइंट में जो लोड आ रहा है, आपका जो मसल वीक है जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में लोड आ रहा है, तो उसकी वजह से जो पेन हो रहा है आपको, तो मसल को स्ट्रॉन्ग कैसे करें उसकी एक्सरसाइज बताऊँगा। और मसल को स्ट्रेच कैसे करें, जो मसल में पेन है, मसल के अंदर जो गांठें बनी हुई है या जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हुई है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। तो इसमें मैं नॉर्मली तीन एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले नॉर्मली थोड़ा सा वार्म अप करना है, बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले नॉर्मली आपको लेटना है इस तरीके से और दोनों हाथों को साइड में रखना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं सीधी रेखा में दोनों हाथों को रखना है लाइन में और यहाँ से दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपके हेड को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करना है और लेग्स को राइट साइड, ठीक है। और जब इस पोजीशन को हम लोग करेंगे तो ब्रीदिंग करेंगे, यानी सांस लेते हुए लेफ्ट साइड राइट साइड सांस लेते हुए यहाँ पे 10 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर ब्रीद आउट करेंगे, यानी सांस छोड़ना है, फिर दूसरी तरफ करना है, हेड राइट में और लेग लेफ्ट में। फिर आपको नॉर्मल पोजीशन में आना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है जिससे आपका जो साइड के मसल्स हैं, ग्लूट्स मसल्स हैं, लोअर बैक के मसल्स हैं, यहाँ तक कि लैट मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं, जिससे आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और मसल में जो पेन है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल इस तरह से इस पोजीशन में। उसके बाद राइट एंड लेफ्ट को जमीन में सटाने की कोशिश करनी है पूरा तरीके से, फिर बैक नॉर्मल पोजीशन, फिर दूसरी तरफ पूरा स्ट्रेच फील करना है इस एरिया में, ठीक है। और जब भी इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट का ख्याल रखेंगे, किस समय ब्रीद इन करना है और किस समय ब्रीद आउट करना है। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें वो एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। अगर आप लोग कोई भी वर्कआउट करते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है या मार्शल आर्ट करते हैं किसी भी तरह की मार्शल आर्ट, तो हिप का जो मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए जो हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नॉर्मली इस पोजीशन में सेम इसी पोजीशन में लेटना है, लेकिन हाथों को रिलैक्स रखना है सामने की ओर इस तरह से साइड में, और यहाँ से दोनों पैरों को कमर के विड्थ में खोलना है, ठीक है। और यहाँ से सांस लेते हुए फास्ट इस तरह से आपको उठाना है, ठीक है, पूरा खींच के रखना है ऊपर। यहाँ के जितने भी मसल्स हैं, यहाँ तक कि जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं जो हम लोग के बट के नीचे होता है, ग्रोइन एरिया में होता है, उसके लिए मैं अलग से आप लोगों को वीडियो बताऊँगा, तो वो भी मसल इससे एक्टिव होता है। सांस लेते हुए इसको होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर 10 सेकंड के बाद फिर स्लोली नीचे आना है, फिर रिपीट करना है। ध्यान रखेंगे कि इसमें सांस लेते हुए होल्ड करना है सांस को 10 सेकंड तक, फिर 10 सेकंड के बाद नीचे आना है, ब्रीद आउट करना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 10 टाइम्स करें और इससे पहले जो एक्सरसाइज बताया उसको भी 10 टाइम्स करें। तो इन एक्सरसाइज को 10 टाइम्स करने के बाद जो नेक्स्ट थर्ड नंबर एक्सरसाइज है उसमें वो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको नॉर्मली इस तरह से लेट जाना है और दोनों हाथों को साइड में रखना है। यहाँ से सिंगल लेग तो लेफ्ट लेग है आप उसको आप कर सकते हैं, पहले लेफ्ट लेग से कर सकते हैं। तो नॉर्मली लेग को उठाना है 60 डिग्री के एंगल पर, यानी फ्लोर से 60 डिग्री के एंगल पर, 90 नहीं 60 डिग्री एंगल पर, और आपका जो काफ मसल्स है यानी एंकल है फुट है उसको अपनी ओर खींचना है, इससे काफ मसल एक्टिव होगा, स्ट्रेच होगा। ये आप देख सकते हैं इस पोजीशन में, यहाँ पर ब्रीदिंग करके आपको 10 सेकेंड्स तक काउंट करना है, होल्ड करना है इसको, फिर 10 सेकंड के बाद इसको रिलैक्स करना है और नीचे रहना है, ठीक है। फिर सिंगल अल्टरनेट लेग से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर नीचे रहना है, ठीक है। इस तरह से आपको दोनों लेग से इसको बराबर तरीके से करना है 10 बार इस लेग से और 10 टाइम्स इस लेग से 60 डिग्री के एंगल पर। इस तरह से आपको सब को खींचना है, अपना स्ट्रेच करना है, फिर नीचे ब्रीद आउट, ब्रीद इन 10 टाइम्स 10 सेकेंड के बाद ब्रीद आउट, ठीक है। तो ये जो तीन एक्सरसाइजेज हैं इससे आप लोगों का जो कमर का पेन
काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। फिर भी अगर आप लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है तो आप लोगों को डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है, या आप दूसरे एक्सरसाइज हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इन एक्सरसाइज को आप लोग फॉलो करके आपके जो मसल्स में पेन है और जॉइंट पेन आ रहा है उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जॉइंट पेन का रीज़न है आपका मसल वीक है, एब्डोमिन एरिया का मसल, लोअर बैक का मसल और ग्लूट मसल वीक होने की वजह से जो आपका जॉइंट में लोड आता है और पेन आता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज करने से आपको जो है पोस्चर भी ठीक होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से मार्शल आर्ट रिलेटेड और फिटनेस रिलेटेड वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।